आज थाना घूरपुर में त्योहारों को देखते हुए पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई। प्रयागराज जनपद के घूरपुर थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों को लेकर पीस कमेटी की बैठक रखी गई, जिसमें उप जिलाधिकारी बारा गौरव रंजन श्रीवास्तव और क्षेत्राधिकारी कर्चना सोमेंद्र मीना ने क्षेत्र के लोगों को दुर्गा पूजा और रामलीला कमेटी के आयोजकों को बुलाया गया और उन्हें निम्न बिंदुओं पर आदेश दिया गया कि दुर्गा पूजा पंडाल और रामलीला मैदान में थर्मल स्क्रीनिंग, शारीरिक दूरी, फेस मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था कराकर ही लोगों को अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। दुर्गा पूजा पंडाल में एक तरफ लोगों को आने और एक तरफ जाने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा रामलीला मैदान में लगभग 50% लोग ही रहें तथा सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही अंदर प्रवेश करें, जिससे COVID-19 संक्रमण से बचा जा सके। वहीं उप जिलाधिकारी गौरव रंजन श्रीवास्तव ने क्षेत्र के लोगों से आग्रह भी किए कि जिस स्थान पर मूर्तियां और रामलीला हो रही थी वहीं पर ही मूर्तियां और रामलीला कराएं और साथ ही साथ जिला प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा दुर्गा प्रतिमा और रामलीला की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मौके पर थाना अध्यक्ष घोरपुर भुवनेश्वर कुमार चौबे, उप निरीक्षक वीरेंद्र प्रताप सिंह, शशिकांत सिंह गोहनिया, चौकी इंचार्ज शिव प्रताप सिंह, क्षेत्र के कई प्रधान, दुर्गा प्रतिमा और रामलीला समिति के अध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से अजय पांडे की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। वहाँ पे आप अपने कुछ स्वयंसेवक खड़ा करेंगे, वॉलंटियर, जिनको 20 लोगों को जाने देंगे, 10 लोगों को
थोड़ा वेट करने को कह देंगे, भैया आप थोड़ी देर रोक लीजिए, जब पंडाल खाली होगा तब आप जाइएगा, ठीक है। पंडाल के बाहर ही एक जैसे जो सैनिटाइजर होता है, या उसकी व्यवस्था करेंगे आप सैनिटाइजर की, और ये जो उसकी होती है थर्मल स्कैनर की व्यवस्था ये करेंगे, जिससे कि जब व्यक्ति जो अंदर आ रहा है पहले उसकी थर्मल उसकी पहले सैनिटाइजेशन करा।